अजान से परेशान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की संगीता श्रीवास्तव पर 2 करोड़ की रिश्वत का मामला दर्ज हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव और रजिस्ट्रार प्रोफेसर एनके शुक्ला पर 2 करोड़ रिश्वत लेने के बाद संविदा कर्मचारी भर्ती का टेंडर देने का आरोप लगा है। ये वही कुलपति है जिन्हें पिछले दिनों लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब यहाँ मामला कुछ अलग है। इलाहाबाद से जो खबरें सामने आई है उससे पता चलता है कि ये आरोप भर्ती प्रक्रिया पूरी करने वाली कंसल्टेंट कंपनी ने लगाए हैं। इलाहाबाद में इसका वीडियो और ऑडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस बीच छात्र नेता अजय यादव सम्राट मोहम्मद मसूद और राहुल पटेल ने वीडियो वायरल किया जिसमें पत्रिका चौराहा स्थित कंसल्टेंट कंपनी के कुलदीप शर्मा और एके मिश्रा आवेदकों से नियुक्ति के लिए रुपए मांग रहे थे। कंपनी के एके मिश्रा वीडियो में दावा कर रहे हैं कि कॉपी और 25,000 एडवांस रकम पहुंचाने के बाद ही लिस्ट लखनऊ भेजी जाएगी, प्रति माह 1,000 देना होगा क्योंकि कुलपति और रजिस्ट्रार को 2 करोड़ रुपए देकर टेंडर लिया गया है। संविदा पर होने वाली भर्ती की प्रक्रिया में कुलपति ने दरअसल अपना आदमी भी तैनात किया था। साफ है यह भ्रष्टाचार का खुला मामला है। ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती। अजान से परेशान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी संगीता श्रीवास्तव पर अब 2 करोड़ की रिश्वत का मामला दर्ज हो गया। इनकी नींद हरामखोरी की वजह से उड़ी हुई थी और नाम अजान पर लगाया जा रहा था और मैडम को घूस लेने के बाद नींद नहीं आ रही थी तो अजान पर उंगली उठाने लग गई थी। जब सारी रात हराम की कमाई हुई हो, रिश्वत के 2 करोड़ रुपए गिनने ठिकाने लगाने का हिसाब लगाया जाएगा तो नींद आखिर कैसे आएगी। खैर, मुसलमानों के अजान की आवाज से नींद खराब होने का आरोप लगा दिया गया। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टीवीएमआई।